हुई है, मैं माइक नहीं लगाई एक सेकंड में मैं माइक लगा के दोबारा आता हूँ। सिटी में अगर किसी स्टूडेंट ने आना है तो क्या ऐसे रीजंस होंगे कि हाइडलबर्ग ही को चूज करें? रेसिज्म जीरो है, जीरो रेसिज्म, कोई आपको रेसिज्म नहीं नजर आता इस सिटी में। कि अगर कोई स्टूडेंट आते तो मिल जाएंगे उसे पार्ट टाइम जॉब? हाँ, लेकिन उसके लिए भी मैं यही रिकमेंड करूंगी कि स्टूडेंट्स को B1 करना चाहिए पाकिस्तान से ही अगर वो आ रहे हैं। 1.5 लीटर की बोतल आप कर लो, पाकिस्तानी उन्होंने दी है कोई 1500 रुपए में। यस, 1500 में सोचो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर MR सिटी टूर और यूनिवर्सिटी टूर। हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम, ओए मैंने माइक नहीं लगाया एक सेकंड में मैं माइक लगा के दोबारा आता हूँ। देखिए हम थोड़े चिट्टे हो गए, धूप में जाते काले हो जाते। अच्छा, हमारे साथ है महक, हम फिरने लगे हैं हाइडलबर्ग। दो चीज़ें यहाँ पे बड़ी फेमस है, पहली हाइडलबर्ग की यूनिवर्सिटी क्योंकि काफ़ी इंटरनेशनल है और कोर्सेज बहुत इंटरनेशनल टाइप के, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज, ये नहीं टिपिकल इंजीनियरिंग वाले ऑफर हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, लैंग्वेज के बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं यहाँ पे। अगर आप पाकिस्तान से तो आपको पता होगा कि हमारे कौमी शायर इलामा इकबाल, उनकी भी यहीं पे यूनिवर्सिटी थी, उन्होंने PhD किया था कलबन यहाँ से। हाँ। PhD किया था, हम वहाँ भी चलेंगे, वो रहते थे। हाँ, यहाँ हम आपको दिखाएंगे अगले व्लॉग्स में ना, उनका घर भी दिखाएंगे, वो स्ट्रीट भी दिखाएंगे जो सारी इकबाल स्ट्रीट है। फिलहाल हम जो मेन बात करेंगे वो यूनिवर्सिटी की बात करेंगे और सिटी की। पहले तो महक, कितने अरसे से रह रहे हो और क्या कर रहे हो? पहले तारुफ करा दो छोटा सा, क्योंकि दूसरा वाला अगले पॉडकास्ट में आएगा लंबा वाला। अच्छा जी, तो मैं कर रही हूँ यहाँ पे, मैंने लैंग्वेज कोर्स किया है। मैं यहाँ पर लैंग्वेज ख़त्म कर चुकी हूँ और मेरा एग्ज़ाम है बस अनकरीब, और उसको पास करना है जर्मन लैंग्वेज का। और मैं यहाँ पर हाइडलबर्ग में तो वैसे 2 महीने से रहती हूँ। मैं मैनहाइम में रहती थी, वो हाइडलबर्ग से करीब ही है, और उसमें मैंने पढ़ाई हाइडलबर्ग में की। ठीक हो गया, अभी हम पूछेंगे बाद में लैंग्वेज वाला क्या सीन है, क्यों लैंग्वेज पे आए, क्या चक्कर है, वो अगले पॉडकास्ट में आएगा। मगर हाइडलबर्ग सिटी के बारे में थोड़ा बताएं कि कैसी वाइब देता है। सिटी में अगर किसी स्टूडेंट ने आना है तो क्या ऐसे रीजंस होंगे कि हाइडलबर्ग ही को चूज़ करें? सबसे पहला रीजन जो मुझे लगता है कि जो बहुत मेन रीज़न है ना हाइडलबर्ग की, आउटस्टैंडिंग बिहेवियर बहुत बहुत अच्छी है। फॉरेन ऑफिस, ठीक है, हाँ फॉरेन ऑफिस, तो वो बहुत अच्छी है और वो बहुत कोऑपरेटिव है, सबसे पहली वजह तो ये है। उसके बाद दूसरा, सिटी जो है इट्स जस्ट दैट एक बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है, लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ के, रेसिज्म जीरो है, जीरो रेसिज्म, कोई आपको रेसिज्म नहीं नज़र आता इस सिटी में, दे आर वेरी फ्रेंडली और आपको हेल्प कर देते हैं अगर आपको कोई चाहिए, और जॉब्स यहाँ मिलना बहुत बहुत आसान है। मतलब पार्ट टाइम जॉब्स की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छी अच्छी पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल है यहाँ पर, कि अगर कोई स्टूडेंट आते तो मिल जाएंगे उसे पार्ट टाइम जॉब। हाँ, लेकिन उसके लिए भी मैं यही रिकमेंड करूँगी कि स्टूडेंट्स को B1 करना चाहिए पाकिस्तान से ही अगर वो आ रहे हैं। असल में सीन होता है कि पार्ट टाइम जॉब यूजुअली ऐसी उनको लोग चाहिए होते हैं जो कि कम्युनिकेट कर सकें। तो आई हैव सीन पीपल जिन्होंने क्या हुआ है B1 क्या हुआ है एंड दे आर डूइंग पार्ट टाइम जॉब्स इन, फॉर एग्जाम्पल, ऑल आउट जॉब्स इन एटिका और लाइक इन सुपर मार्केट्स और इन इवन इन कोरोना टेस्ट जो सेंटर्स हैं उनमें उन्होंने B1 किया हुआ है। हाँ, मतलब लैंग्वेज कर लें तो पार्ट टाइम जॉब्स मिलने में वैसे ही बड़ी आसानी हो जाती है। सेकंड, अगर लैंग्वेज नहीं भी है ना तब भी सिटी जितना इंटरनेशनल है आई थिंक मिल तो जाएंगी आपको जॉब्स। और इवन तो जैसे अगर आपको जर्मन नहीं आती ना तो आपको DHL में भी जॉब नहीं मिलती। अब हालांकि DHL की जॉब इज़ वेरी बेसिक जॉब है और अमेजोन की तरह ही है, लेकिन वो थोड़ा उसका ये हो जाता है कि उनको ऐसे ही एम्प्लॉय चाहिए होते हैं जिनके साथ वो यू नो कम्युनिकेट कर सकते हैं आसानी से। जर्मन लैंग्वेज सीखने के ऑब्वियसली हर जगह ही फायदा है, अगर आना है तो है। सेकंड, कितने खर्चे वर्चे कितने आ जाते हैं? कितने किस चीज़ के, मतलब रहने के, अगर स्टूडेंट यहाँ पे आता है तो कितना एक्सपेक्टेड करें? यूजुअली जो डॉर्म्स है ना, ठीक है, वो आपको मिल जाते हैं, आई हैव फ्रेंड्स 300 यूरोस में रहते हैं, ठीक है, स्टूडेंट डॉर्म्स है, प्राइवेट स्टूडेंट डॉर्म्स, ठीक है। अब जो मेरा डॉर्म है दैट इज प्राइवेट, लेकिन उसके भी बहुत ज्यादा नहीं है, कितना उसका 350 है, दैट इज फाइन, ठीक है। ठीक है, तो उसमें फिर उसमें यही आ जाता है कि वो कुछ इंक्लूडेड आ जाता है, तो इवन मेरा तो वो भी इंक्लूडेड है रेडियो टैक्स। अच्छा, वो भी 350 में, तो आई डोंट हैव टू पे फॉर रेडियो टैक्स का। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि अलहदा से ना यहाँ पे रेडियो वाले आपको टैक्स भेजते हैं, तकरीबन 17 यूरो आपको देना पड़ता है पर मंथ का, तो वो भी इंक्लूडेड है, तो आई थिंक 330 समथिंग का पड़ रहा है आपको, 327 यूरो समथिंग का पड़ रहा है। अच्छा, तो इसके अलावा फ्री है? हाँ। वो डिपेंड करता है, मुझे ऐसा लगता है, मतलब जैसे कुछ लोगों से होते हैं जो लोग बहुत ज़्यादा ग्रॉसरी करते हैं। हाँ। लेके
लेकिन कुछ लोग नहीं करते। जैसे मेरा, मैंने तो अपना बजट सेट किया हुआ है ग्रोसरी का। कितना किया? 50 यूरोस। मुझे ऐसा दिमाग, 50 यूरोस मेरा वीकली है, ठीक है, और उसी में बस मुझे ऐसा होता है कि यार वो 50 यूरोस संडे से पहले खत्म हो गया ना, तो आई जस्ट मेक श्योर कि ठीक है मैं उसको फिर और ना खर्च करूँ उसमें। आई जस्ट थिंक ये, वरना आप फिर शॉपिंग करने लगो या कुछ करने लगो ना तो बहुत खर्च होता है। लेकिन 150 यूरो तक रख लो माइंड में कि इतने में हो जाता होगा। हाँ, डिपेंड करता है कि आप कितना घर पे पका रहे हो, तब तो सस्ता पड़ जाता है। हाँ, तो मैं तो घर में ही खाना बनाती हूँ तो, लेकिन हाँ वीक में एक दिन होता है जहाँ पे मैं, जिस दिन मैं सोचती हूँ कि चलो आज मैंने बाहर से खाना खाना है, पर फिर भी वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से क्या खाना खा रहे हो। मतलब अगर आप शाही जिंदगी गुजारना चाहते हो तो फिर तो शाहियों की तरह पैसे लगेंगे। मतलब ये है कि मुझे लग रहा है कि 400-500 यूरो तक आपका महीने का हो जाता है। 600 कर लें बस, 600 कर लें। हाँ, ना आपकी ना मेरी 550 कर लेते हैं। अगर थोड़ा तंग हो के आप रहना चाहते हैं ना तो 550, वरना थोड़ा सा चिलिंग मोड में तो 600 तक आपका गुजारा हो जाएगा। अच्छा, अभी जो हम स्ट्रीट पे खड़े हैं इसे इकबाल स्ट्रीट कहते हैं, और वो सामने जो आप देख रहे हैं ये इलामा मोहम्मद इकबाल की रेजिडेंस है। सामने शायद आपसे पढ़ा जा रहा हो, मोहम्मद इकबाल लिखा हुआ है 1877 to 1938। तो यहाँ पे रहते थे, अंदर तो ऑब्वियसली हम नहीं जा सकते बट आप बाहर से देख सकते हैं। चल लेट्स गो टू द यूनिवर्सिटी। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये हाइडलबर्ग की यूनिवर्सिटी है, और कौन सा डिपार्टमेंट है। तो ये जो आपको सारा मिल रहा है ये कैंसर का रिसर्च सेंटर है, इतना बड़ा। ये सामने आपको बिल्डिंग नजर आ रही है, सारी यूनिवर्सिटी का पार्ट है। इस पूरी रोड पे इट्स लाइक टेल डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं। इट्स लाइक यहां पे आगे डेटा साइंस का आई थिंक डिपार्टमेंट, और आई थिंक बायोमटेरियल्स का भी इधर ही है मैंने देखा है। कितने कितने कोर्सेज करवाते हैं, लाइक किस टाइप के कोर्सेज ऑफर करती है यूनिवर्सिटी? बैचलर्स और मास्टर्स, और जो आगे बायोमटेरियल्स वाला ये PhD है, और एक क्रेप्स वाला भी, ये भी PhD का है। हाँ, ये मुझे थोड़ा ओल्म यूनिवर्सिटी, जो मेरी यूनिवर्सिटी थी, उसकी वाइब दे रही है कि डिफरेंट डिफरेंट ना इसके डिपार्टमेंट है, और थ्रू आउट सिटी वो फैले हुए हैं। यहाँ पे थ्रू आउट द सिटी नहीं है लेकिन थ्रू आउट रोड है, उस पे फैले हुए हैं। सिन्हा स्टाफ देखते हैं EME, तो वो बहुत जगह पे फैली हुई है, उसी के अंदर हॉस्पिटल्स भी बने हुए हैं। इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट, इट्स जस्ट लाइक दैट कि एक ही रोड है, उसी के अलॉन्ग जो हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, बिकॉज साथ ही इनका रिसर्च सेंटर बना हुआ है, फिर रिसर्च सेंटर के साथ फिर बैचलर्स के और मास्टर्स के भी डिग्री है। यस, तो इनकी कोई प्रॉपर एक वो आप ये नहीं कह सकते कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जहाँ पे सब कुछ एक ही जगह पे होगा, एक जगह जगह पे, जगह जगह पे। मुझे लग रहा है मेडिकल की रिसर्च वाइज ना काफ़ी यहाँ पे फैसिलिटीज हैं यूनिवर्सिटी में। दिस डिपार्टमेंट इज मोस्टली फॉर PhD और लाइक फॉर द पीपल हु हैव लाइक सपोज यू हैव डन नैनो इंजीनियरिंग, तो दे कैन अप्लाई फॉर हेयर। अच्छा जी, ये आपका था टूर हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी का। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह मैनहाइम का भी हम प्लान कर रहे हैं कि चक्कर लगाएं, तो अगर लगता है तो वो भी दिखाते हैं। हमें 6 यूरो की छोटी छोटी पिद्दी पिद्दी पादली की बोतलें ली है, बहुत महंगाई है यार। तो सही बात है, तो कितना लीटर, 1.5 लीटर बोतल आप हिसाब लगा लो, लिटरल 30 सेंट्स। ओ माय गॉड, इट्स लाइक 3। आई एम जस्ट इनटू कैलकुलेशन राइट नाउ। मतलब 1.5 लीटर की बोतल आप कर लो, पाकिस्तानी उन्होंने दी है कोई 1500 रुपए में। Yes. 1500 में सोचो। अगर हम खरीदते तो हमारी कितनी 10 बोतलें आती है अगर हम वो खरीद लेते हैं, ठीक है। मेरी कैलकुलेशन थोड़ी खराब हो रही है, 30 यूरो। आप कैलकुलेट करें, हम इजाजत लेते हैं।